हाँ जी, अगर टॉपिक ही रूल्स को नहीं लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से एक फंक्शनल ग्रुप है, तो सिर्फ अगर एक एक्सक्यूज मी फंक्शनल ग्रुप। यस मैम, एक फंक्शनल ग्रुप मतलब जो होते हैं, तो नेमिंग मतलब नंबरिंग, सॉरी नंबरिंग किसकी मतलब पहले करनी चाहिए, उसका एक वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवा दोगे लिखवा देती हूँ। देखो, जब भी जिसके कि साथ मतलब अगर फंक्शनल ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आनी थी। समझ सुनो, देखो जैसे फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास है CH3, CH2, CH2, फिर CH के साथ BR भी लगा हुआ है। देखो ये तो हो गया OR, मिथॉक्सी इथॉक्सी, ये वाला जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था इन द अर्केस, और ये ब्रोमो वाला हो गया। दोनों क्या है, प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस यानी एक तरह से ब्रांच बना रहे हैं, है ना। तो शुरुआत फिर यहाँ पर, ये जो पड़ा है हमारे पास, ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये कीटोन है। अब ये तो कीटोन आ गया, दो मेरे पास प्रीफिक्स वाले आ गए, ब्रांच चेन आ गए, एक मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो वैसे कि इसमें थोड़ी नेमिंग टिपिकल हो जाती है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, है ना। अब देखिए इस वाले केस में हम क्या करेंगे, मैं शुरुआत ही फंक्शनल ग्रुप से करूंगी। जब भी हमने फंक्शनल ग्रुप में देख गया कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हम क्या करेंगे, लिख देती हूँ सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट भी कॉन्टिन्यूस चेन देनी है, अकेली चेन नहीं देनी, कॉन्टिन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है वो वाला देना है, ठीक है। ओके वो तो लॉन्गेस्ट चेन हम उठा लेंगे, अब यहाँ से मतलब है यहाँ से भी शुरू करो, वहां से तो भी उठ जाएगा, यहाँ से शुरू करो तो भी शुरू हो जाएगा, राइट। अब फोकस करना सेकेंड रूल पे, जो नंबरिंग है एटम्स की कहाँ से शुरू होगी, द नंबरिंग ऑफ नंबरिंग हम हमेशा किसकी करते हैं, पेरेंट चेन, जिससे हमें वर्ड रूट मिलेगा। वर्ड रूट किससे मिलते हैं, पेरेंट चेन से, तो उसी की नंबरिंग करनी होती है हमें। जैसे कि उसी से पता चलेगा हेक्सा बनेगा, हेक्टा बनेगा, पेंटा बनेगा, तो क्या बनेगा, है ना। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर, उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। यानी कि हमें काउंटिंग ही वहीं से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रही है, उसके आसपास वहीं से काउंटिंग शुरू करनी है और कहीं से नहीं करनी। दैट मीन्स इसकी मैं अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ तो ये मेरा 2 है, 3, 4, 5। बट पे अटेंशन, यहाँ सी और सी के बीच में ओ आ गया, इसलिए यहाँ से तो मैं काउंटिंग शुरू कर ही नहीं सकती, क्यों। काउंटिंग किसकी करनी, कॉन्टिन्यूस चेन की। कॉन्टिन्यूस चेन मतलब कार्बन कार्बन चेन, उसकी करनी है काउंटिंग, वो पेरेंट चेन है। यहाँ पर बीच में ओ आर आ रहा है, O-C2H5 आ रहा है ना, ये इपॉक्सी ग्रुप हो गया, तो फिर ये तो यहाँ से तो मेरी काउंटिंग बनेगी। दैट मीन्स यस दिस इज रॉन्ग, यहाँ से हम शुरू कर नहीं सकते इसे, ठीक है। तो एक बार थर्ड रूल देखते हैं, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन्स, साइड चेन्स आर आइडेंटिकल, सिमिलर भी नहीं कहना, आइडेंटिकल टू द वन फॉलोड इन नेमिंग रूल्स ऑफ अल्केन्स, जो हमने सबसे पहले नॉर्मल पेज स्टार्ट किया था उससे।
अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ से तो शुरू कर नहीं सकते, एक तो बीच में वो आ गया, तो सबसे छोटा नंबर हमने किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से, ये है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्यूटेन बनता है, ब्यूटेन कहेंगे बिकॉज सिंगल बॉन्ड है सभी में, है ना। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर 1 पर मेरे पास क्या है, इथॉक्सी ग्रुप है ना, इथॉक्सी को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। अगर इसको इथॉक्सी ना समझ के हम कुछ और करें, वैसे देखा जाए एक सी ओ ओ भी होता है, इफ यू रिमेम्बर, ब्यूटेन वो ओएट ग्रुप में आ जाता है, अगर इसको ये सी ओ भी हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है कि ये इथॉक्सी ग्रुप है कि कुछ, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में कि ये ओएट ग्रुप है, ठीक है। तो ये सी ओ अपने आप ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से निकला कि उनके बीच में ओ आ गया, तो ये ओएट ग्रुप है, इसको हम C2H5 को इथाइल कहते हैं ना, ठीक है। तो इसका नेमिंग होगी फिर इथाइल से शुरू करेंगे, इथाइल से शुरू हो रहे फर्स्ट कार्बन पे हो रहे, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। फिर है 2 पे मेरे पास क्या आ रहा है, ब्रोमो, फिर ब्यूटेन, थोड़ी ब्यूनेट लिख रही है तो ये ब्यूटेन ना, ब्यूटेन है बट फंक्शनल ग्रुप ओएट का है, ओ ए टी ब्यूटेन। एक और एग्जांपल करते हैं, सी एच थ्री, सी ओ सी एच टू, सी ओ सी एच थ्री। इसमें देखिए यहाँ तक तो मेरे पास 2 बार आ गया, बट पे अटेंशन, मेरे पास दोनों बार के सेम फंक्शनल ग्रुप आए, दोनों बार सेम ही आए। अगर यहाँ पर कुछ हो रहा था, यहाँ पर कुछ हो रहा था, फिर हम कुछ हो गए फॉलो करते, ठीक है, वो मैं आगे कराऊंगी। दोनों साइड सेम है तो इसकी नेमिंग क्या होगी। देखो अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से कर दोगे तो भी ठीक है, यहाँ से कर दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे 2, 3, 4, 5, 2, 4 ही आना, ठीक है। तो ये 5 है तो पेंटेन बन रहा है, ठीक है, पेंटेन। बट ये कौन सा है, कीटो ग्रुप है ना, कीटो को ओन बोलते हैं ना, कीटो के लिए ओन यूज करते हैं, वन नहीं कहना इसको, ओन कहना। कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार है, डायोन। इस तरह से लिखो, पेंटेन 2 4 डायोन, इस तरह से नेमिंग होगी इसकी। कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आप क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, मेरे पास है CH3, CH2, CH, यहाँ पर CH3, CH2, CHO, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, कहाँ से शुरू करें इसकी काउंटिंग, कैसे शुरू हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 3 पे है मेरे पास ये ब्रांच मिथाइल की, तो क्या कहेंगे इसको, 3 पे आ रहा है मेरे पास मिथाइल, पेंटेन 5 है, पेंटेन ई कट के पीछे के CHO लग रहा है यहाँ पर, अन, CHO के लिए अन यूज करते हैं। तो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको हमने हमेशा किस में लिखना है, सफिक्स में, पहले भी किया था नेमिंग में, अभी फिर से याद करवा रही हूँ, ठीक है, सफिक्स में लिखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, पहले नहीं आएगा हमें। और करते हैं एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH, यहाँ पर है COOH और यहाँ पर CH3। अब आपको भी यहाँ से शुरू कर देते हैं मैम, 2, 3, 4, 2 पे हमारे पास ही आ जाएगा। अगर ऐसे करोगे ना, इसको 2 पे लगा के करोगे, तो आपको पीछे शो करना पड़ेगा, जैसे मैंने डायोन वाले में शो किया था, CH3, CO, CH2, CO, CH3, इस वाले में, इसमें मैंने कि इसको
नंबरिंग करती, और सॉरी इनको नंबरिंग देती, तो पीछे सफिक्स में मेरे पास नंबरिंग आई थी। यहाँ पर भी मैं करूंगी तो मेरे पास सफिक्स में नंबरिंग आई है, टू ओइक एसिड, ब्यूटेन टू ओइक एसिड। तो मैं इस चीज को अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कोशिश करनी होती है कि सफिक्स में नंबरिंग कम आए, प्रीफिक्स में आती आती रहे, क्योंकि वो तो ब्रांच है, वो तो आएगी आएगी। इसको हमने एज अ ब्रांच शो नहीं करना, वी ट्राई अवर बेस्ट। जब ऐसे कुछ आ जाए फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट यहाँ पे तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4, इस तरह से कर लेते। तो 2 पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप के ब्रांच बन गया, तो क्या आएगा, तो मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप तो कैसे हो गया, ये तो आपने धक्का सा कर दिया, ये तो अपनी मर्जी चला दी यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चीज इस तरह से शो हुई होती फिर भी तो यही करते, अगर ये प्रॉपरली रीअरेंज करके शो हो गई होती फिर भी आप यही करते। तो हमने कोशिश करना होता है फर्स्ट स्टोरी की लोएस्ट नंबर देने, जितना ज्यादा हो सके लोएस्ट नंबर देने उसको। यहाँ पे मैं इसको 2 दे देती, अगर मैं इसको यहाँ से शुरू कर देती, बट मैंने नहीं देना, मैंने कोशिश करी। अगर मेरे हाथ में है मैं इसको लोएस्ट नंबर, तो मैं दूंगी, तो क्यों ना दूं। ठीक, एक एग्जांपल और करते हैं। एक दो मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CO, NH2। तो आपको भी सीओ तो फंक्शनल ग्रुप लग गया, नहीं या तो सीओ फंक्शनल ग्रुप की तरह रिएक्ट करना चाहिए है। इसकी नेमिंग क्या होगी, क्या से शुरू करती है, 1 2 3 4 5, फोर्थ क्लोरो पेंटेन होमाइड, पेंटेन ठीक है। और है एक CH2OH, CH2OH। इसकी कैसे करूँगी, सोचो दिमाग लगाओ। चीजें में पता है, जैसे हमने वो एक वाले में किया था, इसको 1 किया इसको 2 किया था। ठीक है, 1 2 क्या है, ये इथेन है। ठीक है, इथेन है, कौन कौन से कार्बन पे आ रहे हैं, 1 पे 2 पे क्या आ रहा है, वो एच ग्रुप डेट मीन्स एल्कोहल 2 बार आ रहा है, 2 डाइओल। ठीक है, किसके रूल पे। अब करते हैं नेक्स्ट रूल। हाँ जी, रूल फॉर नेमिंग कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, वो कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, एक हो गया तो पहले हो गया, साथ में मल्टीपल बॉन्ड हो, या जैसे कि एल्कीन एल्काइन ये सब हो, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड साइड चेन। साइड चेन मतलब सब्सिट्यूएंट या ब्रांच, सब्सिट्यूएंट भी कह सकते हैं उसको, ब्रांच भी कह सकते हैं, यानी कि एक ही में सारा कुछ आ जाए, फिर क्या करोगे। यहाँ पर प्रेफरेंस देखनी है, प्रेफरेंस की ना रेंज दी हुई है हमें, क्या है प्रेफरेंस की रेंज। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये सारा कुछ आ जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक हमें प्रेफरेंस ऑर्डर या प्रेफरेंस रेंज करनी है। वो प्रेफरेंस रेंज के सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंस देनी है फंक्शनल ग्रुप को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हमें इंपॉर्टेंस देनी है डबल बॉन्ड, यानी कि फिर डबल बॉन्ड को देखना है, फिर हमें देखना है ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कंपोजर, तो उससे भी ज्यादा कंपोजर साइड चेन, साइड चेन जिधर मर्जी जाती रहे। देखो अल्कीन में अगर हो ही अकेली साइड चेन फिर तो उसको प्रेफरेंस दे रही है ना, उसको कम नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक कंपाउंड में सारा कुछ ही आ जाए, सारा कुछ, फिर साइड चेन की इंपॉर्टेंस सबसे कम हो जाती है। जैसे कि अल्कीन था CH3, CH2, Cl, या फिर CH, तो हाँ तो
ओके ओके, तो यहाँ से शुरू करने के बजाय हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करते, क्योंकि इसमें सिर्फ साइड चेंज। लेकिन अगर मैं अभी ट्रिपल भी कर दूँ, फिर यहाँ पर मैं ये कर दूँ, तो डबल करी और यहाँ पर ये कर दिया, फिर इसकी इम्पोर्टेंस सबसे कम, इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा, फिर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करें। टू थ्री फोर, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे करना है, अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, OH। ऑब्वियसली फंक्शन ग्रुप है मेरे पास OH, कहाँ से शुरू करेंगे, वन से। वन के सब क्यों यहाँ पर सी रहेगी, तो इसको वन देंगे, ठीक है। फिर टू थ्री फोर, अब देखिए वन पे मेरे पास ओ एल आ गया, तो मेरे पास सफिक्स में वन आए, ये क्लियर हो गया। अल्केन है, सॉरी अल्कीन है, तो सफिक्स वर्ड रूट में ईन आएगा, ओके। और चार मेरे पास ये है, इसके अलावा मेरे पास कोई साइड चेन नहीं, तो प्रीफिक्स मेरा कुछ नहीं है, सीधा ब्यूटेन से शुरू होगा, यानी कि ब्यूटेन से। ब्यूट कितने नंबर पे मेरे पास डबल बॉन्ड आया, टू पे, यहाँ से काउंटिंग शुरू की, टू पे आया, टू ईन, ठीक है। फिर सफिक्स में मेरे पास है ये वन, ये सफिक्स टू, ये सफिक्स वन, राइट। सिमिलरली मेरे पास है CH2, टू डबल बॉन्ड CH, CH2, CO, CH3। इसमें मेरे पास देखिए CO है मेरे पास, कौन सा, तो वन टू थ्री फोर फाइव, साइड चेन कुछ नहीं है, वन यहाँ पे शुरू हुआ, यानी कि टू यहाँ पर आया फंक्शन ग्रुप से, तो सफिक्स में टू भी आएगा, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड आए वहां पर भी आएगा। तो है कितने, पांच पेंट, देखिए फोर पे आया मेरे पास, यहाँ पर फोर पे डबल बॉन्ड आया, फोर इन स्पेस एन, ई कट जाता है, एन रह जाता टू पे है, कीटो ग्रुप है, तो वन आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी देखिए, वैसे मैंने इसको काट दिया था, अगर यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये चलिए वन टू थ्री फोर, यहाँ पर ये प्रीफिक्स लग जाता, पहले टू क्लोरो, फिर आगे जाके हम कर देते, ठीक है, सेम वही मेथड। एक साइड चेन वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH CHO, और यहाँ पर CH3। कहाँ से फंक्शन ग्रुप से शुरू करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वैसे जैसे क्लोरो वाले की एग्जाम्पल में था, पहले पहले उसको रखेंगे टू पे, मेरे पास मिथाइल आ रहा है, तो टू मिथाइल, ठीक है। पाँच छ है, तो हेक्स आ जाएगा, ठीक है, हेक्स आ गया। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तीन पे, थ्री इन, ईन का ई एन रह जाएगा, मतलब पीछे वाला ई कटेगा, और फंक्शन ग्रुप क्या है ये, अल वन पे आ रहा है, वन अल, जहां से काउंट किया ना उसको भी उठा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर फंक्शन ग्रुप, दो या दो से ज्यादा हो, आपने कहा आपको के पहले किया था, लेकिन अगर सारे डिफरेंट हो फिर क्या करेंगे, तो पंगा पड़ेगा, उसके लिए भी ऑर्डर है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रेफरेंस किसको देनी, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या है, COOH, फिर प्रेफरेंस देनी है सल्फोनिक को, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की सिंबल है मेरे पास SO3H, देन है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड में मेरे पास आ जाएगा CO, ठीक है।
हुआ था टेट्राहाइड्राइड से, फिर है सी ओ ओ आर दैट इज एस्टर। तो हमने पीछे भी एक एग्जांपल में किया था, ओ एट आ गया था उसमें, ठीक है, वो एस्टर होता है सी ओ ओ आर। फिर उससे कम देनी है एसिड हैलाइड को, एसिड हैलाइड में हमारे पास आ जाता है सी ओ सी एल, हैलाइड आ गया ना सी ओ सी एल। देन है अमाइड्स, होता है अमाइन, वो एन एच टू होता है, ये अमाइड है, अमाइड में सी एल, ठीक है। फिर कम आएगी नाइट्राइल को, नाइट्राइल में हमारे पास आ जाता है, और अमाइड की बात कर रही हूँ सी ओ एन एच टू होना चाहिए, हाँ सी ओ एन एच टू, अमाइड में मेरे पास सी एन आएगा, हाँ सॉरी मैंने गलती से इधर लिख दिया, नाइट्राइल में मेरे पास सी एन आएगा, अमाइड में सी ओ एन एच टू आएगा। नाइट्राइल से कम होती है एल्डिहाइड, ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर अमाइन, फिर पीछे रह गया ईथर, ठीक है, ईथर में सिंगल ओ होती है इस तरह, ठीक है। फिर जो हेलो हेलोजन ग्रुप्स आ गए, जैसे फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमाइडो या नाइट्रोसो रह गया, नाइट्रो रह गया, इनको सब्सिटेंट ग्रुप्स में ही इंक्लूड किया जाता है, उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलती, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ सेकेंडरी ग्रुप के सब्सिटेंट होते हैं, जैसे कि सी ओ ओ एच को हम कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं, वो कार्बोक्सी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सब्सिट्यूएंट में आ जाए तो सी ओ ओ आर को एल्कोक्सी, फिर सी ओ सी एल को क्लोरो, फॉर्मिल, सी एच ओ को हम सिंपल फॉर्मिल बोलते हो, क्योंकि मान लो किसी एक में ये आ गया ऊपर, पीछे ये आ गया, एल्डिहाइड आ गया, प्रेफरेंस तो इसको इसको मिली है, तो इसको ए आर को लिखेंगे नहीं, उसमें एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना होता है हमें। सी एन को साइनो बोलते हैं, सबका लिख लेते हैं। सी ओ एन एच टू को हम कहते हैं कार्बामोइल, यहाँ पर लिखेंगे ओ आर, आर ऑक्सी, इथॉक्सी जैसे मैं कह रही थी उसमें इथॉक्सी का, वो मेरे पास एस्टर ही था, बस मुझे एक वहम हो गया कि ये इथॉक्सी में वो उस वक्त उसमें एस्टर था, बट जब उसको सब्सट्रेट में काउंट करी थी, मैं उसको सब्सट्रेट में काउंट करी थी, उसको इथॉक्सी बोल रही थी, ठीक है। अगर सी ओ आ जाए तो उसको कीटो या ऑक्सो ये कहते हैं, ओ एच को हाइड्रोक्सी, और एसएच को हम बोलेंगे सल्फिनाइल, एनएच टू को अमाइनो, एनएच को इमिनो, एंड एनओ टू को नाइट्रो, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं इसी की बेसिस पे, होप तो आपने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीन शॉट ले लो, अगर नोट डाउन नहीं किया स्क्रीन शॉट लेके रख लो, ताकि आपको इसको सॉल्व करना फिर एग्जाम्पल को इजी हो जाए, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास है सी एच थ्री सी ओ, सी एच टू सी ओ ओ एच, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मेरे पास इसमें कौन सा होएगा, सी ओ एच, जिसको सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है ये वाला, तो मेरे पास सफिक्स में यही आएगा, तो जो बचा हुआ है वो किस में आएगा, प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में ये वाला आएगा, तो
फंक्शनल ग्रुप अगर ये है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे। ठीक है कर ली। सीओएच मेरे पास प्रिंसिपल ग्रुप है और सफिक्स सॉरी प्रफिक्स में मेरे पास ये केटो ग्रुप आ रहा है जिसको मैंने कहा था ऑक्सो भी लिख सकते हो। कितने नंबर के आ रहे हैं? चार से है ना। फिर इसमें फोर ऑक्सो प्रिफिक्स कंप्लीट हो गया। वर्ड रूट पे आते हैं। पेंटेन है पेंटे ये लिख लिया। फिर क्या रहे वही कहते हैं। अगर यहाँ पे वन मैच होते तो भी ठीक है नहीं मैच तो भी डबल ट्रिपल बॉन्ड में जब मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे साइड चेन आ जाएंगे तब हम इसको मेंशन करेंगे वरना जरूरत नहीं है हम मेंशन करेंगे। कि सफिक्स में कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अगर हम तभी उसी से शुरुआत करें तब। अगर कहीं और से शुरुआत करें करीब है फंक्शनल ग्रुप से तो यहाँ पे मेंशन करनी है सफिक्स में। अगर शुरुआत ही वहीं से करें तो नहीं जरूरत होगी। ठीक है नेक्स्ट करते हैं सी एच टू सी एच CH3। यहाँ पर मेरे पास OH लगा है और यहाँ पर NH2। देखो भाई खोलो वो ही वाला स्क्रीनशॉट या पेज जिसमें प्रिंसिपल ग्रुप हमारा बन रहा है OH। ठीक है ये जरूरी है ये जरूरी नहीं है। जब ये जरूरी है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5। अभी मैंने क्या बताया कि अगर मैंने यहाँ से फंक्शनल ग्रुप शुरू किया है मेरे पास कोई मल्टीपल फोन नहीं है दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे पास सफिक्स में लग रहा है तो मैं सफिक्स में इसका नंबर मेंशन नहीं करूंगी। लेकिन अब मेरे पास सेम कंडीशन इसके जैसे है लेकिन इसमें मेरा जो प्रिंसिपल ग्रुप है वो फर्स्ट पे नहीं लग रहा कहीं और पे लग रहा है 1 के करीब लग रहा है तो मैं उसमें सफिक्स में इसका नंबर मेंशन करूंगी कौन से वाले नंबर के साथ उनके साथ के लगाऊंगी। पहले प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स में मेरे पास क्या है अमाइनो आएगा। अब इसको अमाइनो बोलेंगे ना तो फोर फोर अमाइनो ब्रोमाइनो हो गया। कितने कार्बन वर्ड होते पांच तो पेंटेन आ गए। ठीक है अब देखिए OH लगा है कहाँ पे लगा टू पे तो टू फोर। नेक्स्ट करते हैं CH3 CO CH2 CHO। इसमें फंक्शनल ग्रुप तो जो मेन है वो एल्डिहाइड है। थोड़ा सा ही फर्क होता है पहले एल्डिहाइड होता है फिर कीटोन आता है। एक बार वो सेम ऑर्डर उठाओ और देखो ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर आपको एग्जाम में भी आएगा नीट में भी आएगा आईआईटी में भी आएगा। ऑर्डर सारा याद करना पड़ेगा प्लस टू में तो सारा काम ही ठीक है। ठीक है तो प्रिंसिपल ग्रुप ये है तो 1 2 3 4 यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है ऑक्सो आ जाएगा हमारे पास कितने नंबर कार्बन पे है? 3 नंबर कार्बन पे है। 3 ऑक्सो 4 है ब्यूटेन नन। क्या कहा था सेम कंडीशन है तो हमें वैसे करने की जरूरत नहीं। एक साइक्लिक कंपाउंड देख ली। अब ये जो है ना ओ लगा है एक कार्बन के साथ लगे ये होता है ना इसकी प्रॉपर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ये ओ एच है और ये यहाँ पर ओ लगा है इसके साथ लगा है। तो कीटोन में और एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल में कौन प्रिंसिपल बनता है? कीटोन कीटोन ज्यादा जरूरी है कीटो ग्रुप यहाँ पर ये मेरा प्रिंसिपल ग्रुप है। इसको चेंज कर देते हैं कलर को। ये मेरा प्रिंसिपल ग्रुप है और ये मेरा सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट को मैं काउंट कर रही हूँ तो मैं यहाँ से शुरू करके पीछे जाऊंगी कि ऑब्वियसली यहाँ से शुरू करूंगी यहाँ से जाऊंगी 1 2 3 4 5 6। क्या कहा था बाकी के सारे रूल्स भी सेम ही चलेंगे ना चेन वाले। जरूरी थोड़ा है कि अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मैं जो साइड चेन है उसको मैं बड़ा नंबर दूँ छोटा नंबर जब जहाँ पे मैं दे सकती हूँ मैं दूंगी। यहाँ पे 3 पे शुरू हो जाएगा। 3 पे क्या लग रहा है मेरे पास OH। OH के लिए हमारे पास क्या होता है हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी होते हैं सफिक्स में ओएल होता है ये याद रखो। क्या है साइक्लोहेक्सेन है साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन है और पीछे क्या है
ओ एन ई ना, यहाँ पर ओ आएगा, ओ एन ई के तो ग्रुप है, तो ओ एन ई ठीक है, ई काट के ओ एन ई हो जाए। एक और करते हैं एग्जाम्पल। हाँ जी, एक फ्लोरो वाले करते हैं, CH2। अच्छा है यहाँ पर CH2, CH, FeOH। ये वाले देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास OH और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल ग्रुप हो गई है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे पहले लगता है, कुछ भी आ जाए साथ में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो भी देखो क्या है, फ्लोरो लगा हुआ है, फोर पे लगा है हाइड्रोक्सी। तो पहले छोटे नंबर वाले दिखेंगे फिर बड़े नंबर वाले दिखेंगे, है ना। इसने यही किया था, मेरे पास आएगा 2 फ्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन से, 4 ब्यूटेन, लोइक एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। दैट इज CH3, CH, COH, NH2। सारे एग्जांपल हमारे पास COH2 है, मेन टू है। अमाइनो मेरे पास तो क्या आया है, तो 2 अमाइनो, मैं यहाँ पे काउंटिंग शो नहीं करती। और मेरे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन है क्या, मैं अब काउंटिंग शो कम करूंगी, किसे मैं शो करूंगी, छोटे वाले में तो बिल्कुल नहीं शो करे, खुद करो, खुद लगाओ, कहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, बहुत एग्जाम्पल करनी है हमें। ठीक है, अभी इतना करते हैं, फिर हम करेंगे एलिफाइलिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड जो हमको कैसे करने चाहिए। एलिफाइलिक में भी यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड है, उन्हें भी कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कहीं पे साइक्लिक ग्रुप सिंपल एलिफेटिक के साथ लगे, उनकी नेमिंग कैसे करें वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।